गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज शाम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। आज शाम आपका पर्सन किससे और क्या बातें कर रहा है आपके बारे में, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, रीडिंग में एंड तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग के स्टार्ट। हमने यहां आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो हमारे पास लास्ट कार्ड आया है वो आया है रिपनेस। एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं फ्लावरिंग, क्रिएटिविटी, इंटेंसिटी, टर्निंग इन एंड पास्ट लाइव्स। ओके, और साइन है मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मेष, सिंह, धनु, एरिस, लियो, सजिटेरियस। ओके बस, ये आपके साइन या फिर आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें ना आपके पर्सन की फीलिंग्स की, पास में किस तरह का रिश्ता इस पर्सन से आपका रहा, क्या कुछ चल रहा था आपके इस रिश्ते में और ये पर्सन कितनी शिद्दत इस रिश्ते में दिखा रहे थे, कितना प्यार ये पर्सन आप पर लुटा रहे थे, तो यहाँ पर हमारे पास पास्ट लाइव्स का कार्ड है। और इस कार्ड को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि इस पर्सन से आपका जो रिश्ता है ना, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, ये रिश्ता आज नहीं बना। आप तो ऐसा महसूस करते हैं कि ये पर्सन तो आपके लिए ही बनाया गया है, आपको ऐसा ही लगा था, इस पर्सन को भी सेम टू सेम वैसा ही लगा जैसे कि आपको लगा। यानी आप दोनों जब मिले ना तो आप दोनों को एक दूसरे से मिलकर ऐसा महसूस हुआ कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, सेम अट्रैक्शन, सेम फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपका ये जो रिश्ता है ना, एक अटूट रिश्ता था, पर यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को इस नज़र से देख रहे थे जैसे कि आप दोनों फ्रेंड्स हो। आपने कभी ये नहीं सोचा था कि ये रिश्ता ना इस तरह से इस मकाम पर आकर ना इस तरह ठहर जाएगा। आप दोनों को इतना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि अब इस रिश्ते में इनफ हो गया, बहुत हो गया, अब इस रिश्ते को बस ख़त्म करना है, इस रिश्ते में नहीं बने रहना। तो इस तरह आप अब फील कर रहे हैं। पास में तो आपने एक दूसरे को देखकर ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था, आप दोनों काफ़ी मैच्योर थे और आप जैसे जैसे धीरे धीरे इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे थे, आपकी चाहत भी इस पर्सन के लिए बढ़ती जा रही थी। पर प्रेजेंट में मैं जो देख पा रही हूँ ना, यहाँ पर हमारे पास टर्निंग इन एंड इंटेंसिटी के जो कार्ड्स हैं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपका पर्सन और आप ना किसी दुख और तकलीफ से गुजर रहे हैं। इन दोनों आपको एक के बाद एक चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, एक के बाद एक, जैसे कि कोई पर्सन है आपको आजमाने की कोशिश ही करता जा रहा है। तो आपको इस रिश्ते में आजमाइशें बहुत देनी पड़ रही हैं, ऐसा ही इस पर्सन को भी महसूस हो रहा है। और इसके बारे में ये अपने फ्रेंड से बातें भी करते हैं कि इस रिश्ते में आ रहे उतार चढ़ाव ना इस कदर इस पर्सन को घबरा देते हैं, इस तरह ये परेशान हो जाते हैं पर्सन कि इस पर्सन को कभी कभी ऐसा लगता है कि आप दोनों एक हो भी पाएंगे कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी तरह से आप दोनों अलग हो जाएं और इस जुदाई को ये पर्सन सह नहीं पाएंगे। इस जुदाई को ये पर्सन अभी भी नहीं सह पा रहे जब आप इस पर्सन से नाराज़ हैं, इस पर्सन से बात नहीं कर रहे या ये पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आ रहे उतार चढ़ाव आप दोनों की दुख और तकलीफ दे रहे हैं। और ये चीज़ ना, ये दुख, ये दर्द आप दोनों ही महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। एक दूसरे से जुदा होकर आप रह नहीं पाएंगे, इसीलिए आपका पर्सन फुल इंटेंसिटी के साथ ना आपके लिए एक्शन लेने का सोच रहा है, कुछ ऐसा करने का सोच रहा है कि आप दोनों एक हो सकें। यहाँ पर आप इस पर्सन की नज़र में क्या हैं आप देख सकते हैं फ्लावरिंग के कार्ड में और क्रिएटिविटी में। ये दोनों ही कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपका पर्सन ना आपको बहुत ब्यूटीफुल मानता है, आप बहुत हैंडसम हो सकते हैं, स्मार्ट हो सकते हैं, चार्मिंग हो सकते हैं, किसी प्रिंस या प्रिंसेस से कम नहीं है। जो भी खूबियाँ आपकी इस पर्सन को पसंद आई हैं ना, वो आज भी इस पर्सन को आपसे बांधे हुए हैं, इसीलिए ये पर्सन इतने बेकार आ रहे हैं आपको अपना बनाने के लिए, आपके बनने के लिए। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, आप ना एक ऐसे खुशबू वाले फ्लावर हैं, यानी कि रोज़ कह सकते हैं कि रोज़ में कितनी प्यारी मीठी मीठी खुशबू होती है ना, और जो वो होता है ना जास्मिन का फ्लावर, उसकी खुशबू कितनी ही प्यारी होती है, भीनी भीनी सी खुशबू। ऐसे ही इस पर्सन को आपसे मिलकर वो खुशबू महसूस होती है। आपके करीब जब ये पर्सन आते हैं ना तो इस पर्सन को एक अलग ही गज़ब का अट्रैक्शन फील होता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन का मन मोहते जा रहे हैं, आप इस पर्सन को अपना बनाते जा रहे हैं। फिर ये आप दोनों के बीच दूरियाँ क्यों हैं, इन दूरियों की वजह से ही शायद आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ रहने लगे हैं। इन दूरियों को एक पर्सन मिटाना चाहता है तो दूसरा पर्सन ना बनाए रखना चाहता है।
है, यहाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ भी नज़र आ रही है। ये पर्सन अपना फुल क्रिएटिव माइंड लगाना चाहते हैं इस रिश्ते में ना। इस पर्सन ने जितने एफर्ट डालने चाहिए थे शायद पहले नहीं डाले, अब डालने का सोच रहा है। ये पर्सन अब पूरा अपना क्रिएटिव माइंड यूज़ करता हुआ नज़र आ रहा है आपको। अपना बनाने की जो चाहत इस पर्सन में नज़र आ रही है, वो ये पर्सन इस चाहत का इज़हार अपने फ्रेंड से भी करते हैं, और आज शाम भी इस पर्सन ने इस चाहत का इज़हार अपने फ्रेंड से किया है। ये पर्सन आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, आपको एक ऐसे फ्लावर की तरह ही मानते हैं जो इस पर्सन की ज़िंदगी को खुशबू से महका देगा, खुशियों से महका देगा। आपके आने से इस पर्सन की ज़िंदगी में रिपनेस आएगी, अबंडेंस आएगी और खुशहाली आएगी। जो भी खुशहाली इस पर्सन को आपके साथ महसूस होती है ना, वो आपके साथ इस पर्सन को हमेशा के लिए चाहिए, अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए चाहिए। आप दोनों एक दूसरे के होने के लिए जितने बेकरार हैं ना, उतनी ही यहाँ पर ये इंटेंसिटी दिखाई भी दे रही है। फुल चाहत यहाँ पर आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है, पर किसी बात को लेकर जो मन मुटाव चल रहा है ना, जिसकी वजह से ये दूरियाँ आ रही हैं। एक पर्सन इतना ज़्यादा उतावला है तो दूसरा पर्सन थोड़ा सा एक कम उतावला नज़र आ रहा है। तो इस पर्सन को तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि आप इस पर्सन को पाने के लिए वो शिद्दत, वो कोशिश नहीं कर रहे जो ये पर्सन चाहता है आपसे। तो ये पर्सन बिना कुछ कहे ही ना आपसे चाहते हैं कि आप वो शिद्दत, वो कोशिश करें इस पर्सन को पाने की। इस पर्सन को अपना बनाने के लिए इतने एफर्ट्स डालें कि ये पर्सन आपके प्यार में पूरी तरह से पागल हो जाएं। तो ये पर्सन पूरी तरह से पागल हो जाना चाहता है आपके प्यार में, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपके साथ फील होता है ना, जो सोलमेट टाइप का कनेक्शन इस पर्सन को इस वक्त भी महसूस हो रहा है, तो इसके बारे में ये पर्सन अपने फ्रेंड से बात भी कर रहा है कि आपको पाना इस पर्सन की पहली चाहत हो चुकी है। अब आपके बिना ये पर्सन रह नहीं पाएंगे, और ये पर्सन जब कभी भी आपसे दूर जाने का ख्याल दिल में लाते हैं ना, तो इस पर्सन को घबराहट, बेचैनी होने लगती है। इस पर्सन को बहुत बुरा लगता है ये सोच कर ही, ये पर्सन घबरा जाते हैं। तो ये पर्सन पूरी ज़िंदगी आपके बिना कैसे गुजार पाएंगे, तो ऐसा ये पर्सन इस वक्त महसूस कर रहे हैं और फ्रेंड से बोल भी रहे हैं। तो ये पर्सन आप पर मर मिटा है पूरी तरह से, और जब आप दोनों एक दूसरे के होना चाहते हैं तो फिर ये आप दोनों के बीच दूरियाँ क्यों हैं। इस पर्सन को ये दूरियाँ बहुत बुरी लग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस रिश्ते को बिना नाम दिए ही ना कोई ऐसा रिश्ता बनाना चाहते हैं जो शायद आपको पसंद नहीं है। आप नहीं चाहते ऐसा कोई भी रिश्ता बनाना जो आपके उसूलों के ख़िलाफ़ है, यानी कि आपके संस्कारों के ख़िलाफ़ है। तो संस्कारों से अलग हटकर आप कुछ भी नहीं करना चाहते। आपको जो संस्कार मिले हैं आप उन संस्कारों को फॉलो करते हुए ही एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहते हैं जो अटूट हो, कभी ना टूटने वाला हो। और इस पर्सन को कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके ये संस्कार ही हैं जो इस पर्सन को आपसे दूर ले जा रहे हैं, आप दोनों के बीच की दूरियाँ बढ़ा रहे हैं। काश कि आप भी इस पर्सन के जैसे सोचें, इस पर्सन के जैसे करने का सोचें। तो ये चीज़ें जो मनमुटाव हो रहा है ना, इस बात की वजह से हो रहा है, और इसके बारे में क्लियर इस पर्सन ने अपने फ्रेंड से बात की है ताकि आप दोनों के बीच की दूरियां मिट सकें और ये पर्सन आपको अपना बना सकें। ओके व्यूअर्स, तो आज शाम आपका पर्सन आपके बारे में यही सब बातें कर रहा था। इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए ट्रू हैं, पर जो चाहत है कहीं ना कहीं आपको वो चाहत जो है ना इस पर्सन की सही नहीं लग रही, कहीं ना कहीं शक कर रहे हैं आप इस पर्सन की चाहत पर, ये चीज़ नज़र आ रही है। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी, और ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग सभी के साथ में रेजोनेट करे। जिन लोगों के साथ में भी रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के साथ में तो रेजोनेट नहीं कर सकती। पर जो पार्ट आपसे रेजोनेट करता है आप उसे क्लेम करिए, बाकी पार्ट किसी और के साथ में रेजोनेट कर सकता है। ओके, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।